तो जब मैंने एवेंजर्स को फैंटास्टिक फोर से कंपेयर किया था, तब काफी सुपर फैंस ने कमेंट किया था कि ह्यूमन टॉर्च को आयरन मैन के साथ नहीं तो कैप्टन मार्वल के साथ कंपेयर करना था, और आज हम यही करने वाले हैं। लेकिन साथ में ये भी जानेंगे कि क्या हल्की ठंडक लैप शांगची के विंड मैन रिप्लेशन को रोक सकती है, और डार्क होल्ड और इन्फिनिटी यूजर में कौन ज्यादा पावरफुल होता है। तो शुरू करते हैं आयरन मैन वर्सेस ह्यूमन टॉर्च के साथ। अब ह्यूमन टॉर्च के पास फायर को जनरेट और कंट्रोल करने की एबिलिटी है, जिसकी वजह से हाई स्पीड में उड़ भी सकता है और फायर प्रोजेक्शन भी कर पाता है। वैसे तो ह्यूमन टॉर्च अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसका एक मूव है जिसका नाम है सुपरनोवा। अगर ह्यूमन टॉर्च खुद को सुपरनोवा लेवल पर ले जाता है, तब इसके बॉडी का टेम्परेचर सन जितना हो जाता है, लेकिन इस लेवल पर जाने के लिए जॉनी को बहुत टाइम लग जाता है। अब ह्यूमन टॉर्च के अगेंस्ट में हम आयरन मैन का मार्क 85 खड़ा करते हैं, क्योंकि ये टोनी का सबसे पावरफुल आर्मर है और साथ में नैनोटेक पे काम करता है, जिसकी वजह से टोनी मनचाहे वेपन बना सकता है। वैसे इसमें रिपल्सर, मिसाइल, इलेक्ट्रिक बेस्ड स्वॉर्ड और कैनन्स थे, साथ में प्लाज्मा लेजर, यूनिबीम और आर्मर सेल्फ फिलिंग जैसे एबिलिटीज थी। लेकिन इस आर्मर का थर्मोकपल फैक्टर उसका सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर था, क्योंकि इसमें टोनी दूसरों की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके यूज कर पाता है। अब जब ये दोनों फाइट करेंगे, तब टोनी को सिर्फ एक चीज से दिक्कत होगी, जो है जॉनी का सुपरनोवा। वैसे इसे चार्ज होना बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अगर चार्ज हो गया तो टोनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सन जितने टेम्परेचर में सर्वाइव करना। वैसे टोनी ऑलरेडी पावर स्टोन की बीम से खुद को प्रोटेक्ट कर चुका है, इसलिए सुपरनोवा टोनी के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। इसके अलावा ह्यूमन टॉर्च के पास ऐसा कोई अटैक नहीं है जिससे वो आयरन मैन को हर्ट कर पाए, बट अब आयरन मैन के पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो ह्यूमन टॉर्च को बीट कर सकता है। रिपल्सर हीट बेस्ड वेपन है, इसलिए ह्यूमन टॉर्च पे काम नहीं करेगी, लेकिन जॉनी मिसाइल, प्लाज्मा लेजर और इलेक्ट्रिक अटैक से वर्नेबल है। और वैसे तो कोई बच्चा भी जॉनी को देखकर उसकी वीकनेस बता देगा, लेकिन टोनी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहकर ह्यूमन टॉर्च की सारी वीकनेस को ढूंढ निकाल सकता है, जैसे इसे पकड़ के पानी में फेंक दो या फिर ह्यूमन टॉर्च के आसपास का ऑक्सीजन खत्म कर दो, जिसकी वजह से वो अपने फायर पावर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने नैनोटेक आर्मर, वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज होने की वजह से आयरन मैन ह्यूमन टॉर्च को बीट कर देगा। कैप्टन मार्वल वर्सेस ह्यूमन टॉर्च। अब कैप्टन मार्वल ने कई बार अपने स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को हाई स्केल पर शो किया है, जैसे एंड गेम में थैनोस की शिप को बर्बाद करके पावर स्टोन का पंच खाना और उसके बाद भी सर्वाइव कर जाना। और अभी कुछ महीनों पहले कैप्टन मार्वल ने एक मरे हुए सर को फिर से रीइग्नाइट कर दिया, जो ये शो करता है कि कैप्टन मार्वल कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फिर ये स्पेस में लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकती है, अपने हाथों से एनर्जी बीम शूट करती है और ये शॉकवेव भी प्रोड्यूस कर सकती है। कैप्टन मार्वल फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी बहुत अच्छे देखने मिल जाते हैं, और ऐसे बहुत कम वेपन है जिसका यूज करके कैप्टन मार्वल को हर्ट कर सकता है। अब जब ये बंदी ह्यूमन टॉर्च के साथ फाइट करेगी, तब इनकी बैटल स्ट्रेंथ वर्सेस फायर की होने वाली है। ह्यूमन टॉर्च एनहांस लेवल ह्यूमन है, जो कैप्टन मार्वल की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोसेस नहीं करता, इसलिए कैप्टन मार्वल फिजिकली ओवरपावर कर सकती है ह्यूमन टॉर्च को। साथ में कैप्टन मार्वल की बैटल स्किल ज्यादा बेटर है, बेसिकली उसने ज्यादा बेटर ट्रेनिंग ली है, बट ह्यूमन टॉर्च की मेन एबिलिटी है फायर प्रोड्यूस करना। बट कैप्टन मार्वल की एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटीज फायर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, और बाद में इसी एनर्जी को ह्यूमन टॉर्च के अगेंस्ट में यूज करेगी। और जो बंदी सन को फिर से जिंदा कर सकती है, उसके लिए फायर पावर से डील करना बच्चों का खेल है, इसलिए ह्यूमन टॉर्च की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ काम नहीं करेगी, इसलिए ह्यूमन टॉर्च हार जाएगा कैप्टन मार्वल के सामने। क्या हल्क अपने ठंडक लैप से शांगची के विंड मैनिपुलेशन को रोक सकता है? अब टालो मैजिक की वजह से शांगची विंड मैनिपुलेशन कर पाता है। ये टेक्निक छोटे वेपन को हवा में लेविटेट करने के लिए और 10 रिंग्स को बिना टच किए उनके डायरेक्शन को चेंज करने में काम आती है। लेकिन शांगची सिर्फ अपने आसपास की 3-4 फीट की हवा को मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सीधा विंड मैनिपुलेशन से हरिकेन्स बना देता है। बट हाँ, अगर इस टेक्निक को सही से यूज किया जाए तो ओपोनेंट्स के अटैक को फेल या फिर डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा विंड मैनिपुलेशन का कोई खास काम नहीं है। कॉमिक्स में भी शांगची बस स्ट्रेट लेवल बींग्स पर अपने विंड मैनिपुलेशन को यूज करता है, लेकिन जब बात आती है हल्के ठंडक लैप की, तो ये अच्छे खासे लेवल पर शॉकवेव प्रोड्यूस कर देती है। हल्क ने तो अपने ठंडक लैप से जलते हुए हेलीकॉप्टर को बुझा दिया था। अब इस लेवल के अटैक के सामने शांगची अपने विंड मैनिपुलेशन करने जाएगा तो ठंडक लैप होते ही बहुत दूर उड़ जाएगा। बेसिकली विंड मैनिपुलेशन एक टेक्निक है जिससे मैजिक का नाम मिला है, लेकिन ठंडक लैप हल्का एक लॉन्ग रेंज अटैक है, इसलिए शांगची चाहे कितनी भी अच्छे से हवा को मैनिपुलेट कर दे, ठंडक लैप के सामने नहीं रुक सकता। और रही बात कॉमिक्स की, तो यहाँ पर हल्क अपने ठंडक लैप से बिल्डिंग्स और प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है, और ये कम पड़ जाए तो हल्क फैब्रिक ऑफ रियलिटी को भी ब्रेक कर चुका है, और इसके सामने विंड मैनिपुलेशन बहुत छोटी चीज लगती है, इसलिए विंड मैनिपुलेशन और ठंडक लैप का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। डार्कहोल्ड यूजर्स वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन यूजर। अब इन्फिनिटी स्टोन को तो आप सब जानते ही होंगे, हमने कई बार इन्हें देख रखा है, और जिसके पास ये होते हैं वो स्पेस टाइम, रियलिटी, सोल पावर और माइंड जैसी चीजों को यूनिवर्सल लेवल पर कंट्रोल कर सकता है, और इसके बाद यूजर पर डिपेंड करता है कि वो इन स्टोन को कैसे और किस तरह यूज करता है। लेकिन जब बात आती है डार्क होल्ड की, तो ये एक बुक है। वैसे डार्क होल्ड के स्पेल सबसे पहले एक टेम्पल में लिखे गए थे, फिर बुक में उतारे गए, लेकिन जो भी मैजिक यूजर डार्क होल्ड पढ़ लेता है उसकी बेसिक एबिलिटीज तो एनहांस्ड होती है, लेकिन साथ में रियलिटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी मिल जाती है, और यूजर स्पेल को पढ़कर मल्टीवर्स में ड्रीम वॉक कर सकता है।
और डायमेंशन से क्रिएचर्स को समन करने की एबिलिटी मिल जाती है, बट डार्क होल्ड की पावर्स इन्फिनिट नहीं है। कई बार यूजर को स्पेल पूरा करने के लिए रिचुअल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। साथ में कोई भी एरा गेरा हॉकाई जैसे लोग डार्क होल्ड को पढ़ के रियलिटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डार्क होल्ड को अगर उसके फुल पोटेंशियल पर यूज करना है तो कोई क्रियाओस मैजिक यूजर होना चाहिए, लेकिन डार्क मैजिक और एल्ड्रिच मैजिक से भी काम बन जाता है। लेकिन डार्क होल्ड यूजर को पावरफुल तो बना देती है, लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने मिल जाते हैं। जैसे ये बुक यूजर को मेंटली और इमोशनली करप्ट कर देती है, इसलिए यूजर अपने गोल को पूरा करने के चक्कर में किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसमें अच्छे और बुरे की समझ ही खत्म हो जाती है। फिर बॉडी में कुछ चेंजेस देखने मिल जाते हैं जो रिवर्सिबल नहीं है, जैसे फिंगर टिप्स का ब्लैक हो जाना या फिर तीसरे आंख खुल जाना। और भी कई सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं जो हमें देखने नहीं मिले, बट ज्यादातर मैजिक यूजर डार्क होल्ड से दूर रहना पसंद करते हैं। बेसिकली उन्हें पता है कि डार्क होल्ड से बस बर्बादी होने वाली है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि डार्क होल्ड बेटर है या फिर इन्फिनिटी स्टोन। अब इन्फिनिटी स्टोन यूज करने के लिए किसी टाइप की पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन से लेकर गॉड्स तक इसे यूज कर चुके हैं और एक नॉन मैजिक यूजर डार्क होल्ड को नहीं पढ़ सकता, और बढ़ भी लिया तो मैजिक यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन ज्यादा वर्सेटाइल है। रियलिटी मैनिपुलेशन डार्क होल्ड से भी हो सकती है और रियलिटी स्टोन से भी। टेलीकिनेसिस और टेलीपोर्टेशन मैजिक यूजर भी कर सकते हैं और स्पेस स्टोन यूजर भी, और सोल मैनिपुलेशन भी दोनों जगह हो जाती है। लेकिन डार्क होल्ड यूजर सिर्फ अपने थॉट से पूरे प्लेनेट या फिर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इनकर्जन करने के लिए उसे ड्रीम वॉक करना होता है। साथ में टाइम मैनिपुलेशन और एक टच में प्लैनेट को बर्बाद करने की पावर्स डार्क होल्ड यूजर के पास नहीं होती है। इसलिए अगर कोई मैजिक यूजर इन्फिनिटी स्टोन को एक्सेस नहीं कर सकता तो उसके लिए डार्क होल्ड बेटर है। गोल पूरा होने में टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा, बस माइंड करप्ट हो जाएगा वो बात अलग है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन से सारे काम फटाफट हो जाते हैं। टेक्निकली जब तक कोई स्नैप नहीं करता तब तक स्टोन यूज करने कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मेरे ओपिनियन से इन्फिनिटी स्टोन ज्यादा बेटर है। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ आज के रैंडम क्वेश्चन का एपिसोड ये खत्म होता है।